दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं किसी भी चिलर में किसी भी एचपी सिस्टम में कोई भी ब्रांड का आपका चिलर सिस्टम हो उसमें अगर लो ऑयल फ्लो या लो ऑयल प्रेशर या ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर का अलार्म आता है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, कैसे इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। ये जो आज हमारे पास है ये ट्रेन का चिलर है और इसका मॉडल नंबर है ERT88213। इसका मॉडल नंबर है और इसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर है इसमें कभी आता है ऑयल डिफरेंशियल का अलार्म आता है, कभी इसमें आता है लो ऑयल प्रेशर और कभी आता है लो ऑयल फ्लो, कभी आता है ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलार्म आते हैं, कभी हाई डिस्चार्ज आता है। तो इसको कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसे लोग स्क्रू चिलर भी बोलते हैं, रोटरी चिलर भी बोलते हैं। तो ये हमारा एयर कूल्ड और स्क्रू चिलर है, स्क्रू कंप्रेसर है, इसको कई लोग रोटरी चिलर भी बोलते हैं। तो इसकी ये जो लो ऑयल फ्लो है या ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर है या फिर लो ऑयल प्रेशर है या हाई डिस्चार्ज प्रेशर है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और आप सबका मैं भाई मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं आप लोगों को बताना। सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना है, जैसे ये आप देख रहे हैं इसका कंट्रोल पैनल है सारा, ये इसका इलेक्ट्रिकल एरिया है, इसके अंदर कंडेंसर फैन के कॉन्टेक्टर है, हमारा ये कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, ये सारा इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर पार्ट वाइंडिंग है। कंप्रेसर में क्या होता है कि अगर कभी भी आपका लो ऑयल प्रेशर आता है तो लो ऑयल प्रेशर में आपको हमेशा कोई भी अगर उसमें ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है तो आप उसका ट्रांसड्यूसर जरूर चेक करें और मैनुअली गेज लगा के आप उसका प्रेशर चेक करें, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि सच में इतना प्रेशर है या ट्रांसड्यूसर फॉल्स दिखा रहा है। तो उस स्थिति में आप उसका ट्रांसड्यूसर चेंज कर सकते हैं या फिर आप अगर उसमें लो ऑयल अगर उसमें प्रेशर जो ऑयल का प्रेशर है अगर वो कम है तो आप उसका ऑयल फिल्टर, किसी भी ज्यादातर कंप्रेसर में ऑयल फिल्टर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो दोनों हमको हमेशा चेंज करना चाहिए। अगर ट्रांसड्यूसर सही है तो हम लोगों को ऑयल लेवल चेक करना चाहिए, ऑयल की कंडीशन चेक करनी चाहिए और उसका जो ऑयल फिल्टर है, अगर ट्रांसड्यूसर ठीक है तो ऑयल फिल्टर हम लोगों को चेंज करना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। वो चेंज करने के बाद हम लोगों का अगर ऑयल का कंडीशन ठीक नहीं है तो ऑयल चेंज कर देना चाहिए। अच्छा अब आते हैं ऑयल डिफरेंशियल पे, तो आप लोगों को मैं बता दूं R134A गैस है, उसका डिफरेंट होता है ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, R22 का डिफरेंट होता है, रेसिप्रोकेटिंग का डिफरेंट होता है और स्क्रू का डिफरेंट होता है। तो इस चिलर में जो है वो हमारा 50 से 60 सेट करते हैं, कभी कभी चेक करने के लिए हम लोग 40 भी करते हैं, तो 50 से 60 इसका ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो होता है वो सेट होता है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोगों को ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है वो भी हम लोगों को चेक करना है, साथ के साथ जो कंडेंसर की कंडीशन है, इस तरीके से जो कंडेंसर का कंडीशन है वो हमको चेक करना है, गंदा है या साफ है। और दूसरा ये है कि वो सब चीज पहले चेक कर लेना, ऑयल फिल्टर वगैरह जो मैंने बताया वो सबके लिए है और ये जितनी बातें बता रहा हूँ वो हर तरह के चिलर के लिए है। उसके बाद आपको कंडेंसर की कंडीशन चेक करनी है, कंडेंसर फैन भी चेक करना है, क्योंकि जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है वो स्क्रू में ज्यादातर जो रेसिप्रोकेटिंग होता है उसका सक्शन से डिफरेंशियल बताता है और जो जो स्क्रू कंप्रेसर होता है उसमें ज्यादातर जो होता है उसमें डिस्चार्ज प्रेशर से उसका ऑयल डिफरेंशियल पता लगता है। तो योर चिलर का जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट प्रेशर है जो R134A गैस चलता है और ये ट्रेन है तो ये R22 गैस का है, तो इसमें डिफरेंट ऑयल प्रेशर होता है, तो डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंशियल प्रेशर स्विच चेक करना है, फैन मोटर चेक करना है, अगर आपका कंडेंसर गंदा होगा या आपका फैन मोटर खराब होगा तो हाई डिस्चार्ज ऊपर जाएगा तो पहले ऑयल का प्रेशर लो हो जाएगा, तो इस तरीके से डिफरेंशियल ज्यादा आएगा तो उस वजह से भी ट्रिप करेगा। तो आप लोगों को इन सब चीजों का काफी हद तक ख्याल रखना है, अगर आप ऐसे ख्याल रखेंगे तो आप लोगों को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अभी आप लोगों को ये कंप्रेसर दिखा देता हूँ, हमारे देख ले ये कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर है, इसमें से ये अलार्म आ रहा था, हम लोग इस पर अभी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपका स्क्रू कंप्रेसर है, तो मैंने तो सारी चीजें बता दी, एक ये भी है, ये सोलेनोइड वाल्व है, ये ऑयल के लिए है, अगर ये भी खराब होगा तो आपका लो ऑयल प्रेशर में ट्रिप करेगा। और अगर आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो उसमें ऑयल पंप होता है बैक साइड में, मैं आपको उधर दिखा देता हूँ, ऑयल पंप होता है, अगर ये ऑयल पंप खराब होगा
या इस ऑयल पंप में कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रेन का है किसी भी कंपनी का होगा तो इसे बैक साइड में या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लगा रहेगा, तो अगर ये भी खराब होगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये आपका ऑयल प्रेशर को रिड्यूस करेगा, डिफरेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करेगा। तो इन सब चीज़ों का खास करके हम लोगों को ख्याल रखना है, तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो इस टाइप का हो सकता है, आप लोगों के यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का होगा। इसमें सेट पॉइंट भी है सेटिंग करने के लिए, और लो प्रेशर और ऑयल प्रेशर भी सेट होता है, लेकिन इसमें हाई प्रेशर और ऑयल प्रेशर है, क्योंकि ये स्क्रू कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर में ऑयल पम्प नहीं होता है, इसलिए इसमें जो कंडेंसर का जो हाई जो डिस्चार्ज का प्रेशर होता है वहाँ से ऑयल फ्लो करता है। हम लोग जो जैसा मैंने आपको प्रोसेसर बताया है, प्रोसीजर बताया है, सेम सेम हम लोग उसको फॉलो करके इस काम को खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो डेली लाता हूं कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई फंस गया कोई काम, अगर कोई हमारा भाई काम सीख रहे हैं या कोई हमारा भाई काम सीखना चाहते हैं या कोई हमारे भाई कहीं पे फंस गया है, तो हमारी वीडियो की मदद से वो अपना काम अपना सोल्यूशन ले कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करें। क्यों? इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग तक जो इसकी नोटिफिकेशन है वो आएगी और आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आज मैंने किस बारे में अपलोड किया है। और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सपोर्ट करना है ताकि मैं और भी मेरा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर डालता रहूँ। तो ये सारे प्रोसीजर आप लोग करेंगे तो ज़रूरी है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।